पूर्णिया के मरंगा थाना अंतर्गत गायत्री नगर फ्लावर मिल के समीप के अंकित कुमार के साथ मारपीट हुई और इसका मामला थाना में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि जिन्होंने मारपीट की उनका ही मामला थाना में दर्ज कर लिया गया। कुछ ऐसा ही आरोप अंकित के पिता ने लगाते हुए मरंगा थाना के खिलाफ पूर्णिया एसपी कार्यालय में शिकायत की है। अंकित के पिता राजनिवास चौधरी के मुताबिक उसके पुत्र अंकित को कुछ लोगों ने बहला फुसला कर घर से बाहर ले गया और उसके साथ मारपीट की। मामला है, मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई और हम लोग गए तो हमारे साथ के बाद ही मारपीट हुई। हमने देखा बच्चे को उठा के लाया वहाँ से, तो घर पर आकर के गौरव सिंह, रंजन सिंह, कुंदन सिंह ये सारे आकर के हमारे घर में मारपीट भी किया। मेरी पत्नी के कान से बाली छीन लिया, मेरे अलमारी से 5,000 रुपया ले लिया। क्यों मारपीट किया? मारपीट ये मैं नहीं जानता। मैं खाना खा के पेपर पर रहा था, उस समय मोनू कुमार नाम का लड़का आया और वह हमारे अंकित बेटा, नाम है मेरा अंकित बेटा, उसको अंकित अंकित कहके बुलाया और लेके गया कि हाँ बुला रहा है। अपन दुकान पर गया, वहाँ से एक आदमी, सब उसका क्या दोस्त है अब ये मैं नहीं जानता, तो ऐसे कैसे बुला लेगा दोस्त? वो पहचान का ही होगा, दोस्ती थी। कहाँ गया वो सब आने वाला? वो सब आनंदपुरी फ्लावर मिल के पीछे इलाज करवाने के लिए हम लोग थाना गए, सदर हॉस्पिटल गए, थाना प्रभारी के पास गए, बोलो कि जा करके इंजुरी करवा करके लाइए, तो इंजुरी के बाद होगा। 1 तारीख की घटना है, हम लोग भेजे पत्नी के साथ बच्चे को हॉस्पिटल, इंजुरी करवा लिए। केस किए हैं आप लोग? जी केस नहीं किए हैं, एसपी साहब के यहाँ केस नहीं किए हैं, केस वो लोग दर्ज कर दिया है। आईओ साहब आए थे तब हमको जानकारी मिली कि केस हो गया है, तो हमने कहा कि इंजुरी मेरे साथ है, मारपीट मेरे साथ हुई, घटना मेरे साथ हुई, वो केस कैसे कर दिया? तो ठीक है, आप लोग आगे देखिए, आगे बढ़िए, अभी तो फिलहाल आपके ऊपर केस है। तो हम तो आए क्या चाहते हैं इधर से? हम इधर से चाहते हैं एसपी साहब से कि न्याय हमको चाहिए और जो उचित हो वो हम चाहते हैं, हमारा भी केस दर्ज हो। अररिया